दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने में अब कुछ दिन ही बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के माहौल में मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़ के घर शनिवार और रविवार की रात के 3 बजे आयकर विभाग का छापा पड़ा। बताया जा रहा है कि छापेमारी देर रात 3 बजे से राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश में 6 जगहों पर हो रही है। खबरों के मुताबिक अब तक मिली सूचना में बताया जा रहा है कि छापेमारी में इनकम टैक्स के 15 सदस्य मिलकर प्रवीण के घर की तलाशी ले रहे हैं। तलाशी में कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए इनकम टैक्स की टीम अपने साथ CRPF को लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि CRPF की टीम ने CM कमलनाथ के इंदौर स्थित घर को चारों ओर से घेर लिया और इनकम टैक्स की टीम अंदर तलाशी ले रही है। खबरों की माने तो दिल्ली, भोपाल, इंदौर, गोवा समेत 50 ठिकानों पर मारे गए इस छापे में अब तक 9 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। प्रवीण कक्कड़ ने साल 2004 में पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। दिसंबर 2018 में वो कमलनाथ के OSD बने थे। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम जब देर रात प्रवीण के घर पहुंची तो परिवार के लोग घबरा गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें पता चला कि आयकर विभाग की टीम है तो उन्होंने जांच में सहयोग किया और अब तक उनके घर से करोड़ों रुपए निकाले जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये मामला अब से चंद दिनों पहले ही सामने आया है। आखिर इतने पैसे का क्या किया जा रहा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।